जो कंटेंप्ट वाली एप्लीकेशन थी क्या और हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, आप जानते हैं इस केस के अंदर दो पटिशनें फाइल हुई थी बच्ची की रिकवरी के लिए, एक मई के महीने में जिसका जून 8 को फैसला हुआ था, और उसके बाद जब मेडिकल बोर्ड बना और सुप्रीम कोर्ट से होकर मामला आवाज़ें हुई कि बच्ची की उम्र छोटी है, तो फिर हमने दोबारा जुलाई के महीने में एक फ़ाइल की थी एप्लीकेशन जिसका 21 जुलाई को फैसला हुआ। अच्छा, जो 8 जून को फैसला हुआ था उसमें बच्ची को एट लिबर्टी छोड़ दिया गया था। उस वक्त का मेडिकल एविडेंस कहता था वो 17 साल की है, और बच्ची का स्टेटमेंट था मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, और उस वक्त के आईओ को कहा गया था कि आप बच्ची का ये स्टेटमेंट और बच्ची का जो एज सर्टिफिकेट है मेडिकल, ये अदालत में चालान के साथ जमा कराएं। आईओ ने उसके पास जारी करते हुए दोनों चीज़ें जमा करा दी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो सी क्लास का चालान एक जज ने एक्सेप्ट करने से इनकार किया। एक जुडिशियल ऑर्डर हुआ, उसमें ना प्रोसिक्यूशन का कोई किरदार था ना आईओ का कोई किरदार था, और उसके बाद उस आईओ को चेंज करके एक नया आईओ भी जज साहब के ऑर्डर के तहत लगा, एक नया जुडिशियल ऑर्डर था, और फिर वो पुराना जो 8 तारीख का ऑर्डर है उसको खुद हाई कोर्ट ने रिविजिट करके नई पिटिशन में हमारी 21 जुलाई को बच्ची को माइनर डिक्लेयर करके कहा कि ये अकेले अपने ओन रह नहीं सकती। पहले कहा था ये अपने ओन आज़ाद है, और फिर कहा अपने ओन रह नहीं सकती। तो आज जब इनकी कंटेंप्ट थी और इनका बयानिया रोजेबल से ये रहा है कि जो पहली पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल हुई थी, जो पहला फैसला हुआ था जिसने बच्ची को एट लिबर्टी कर दिया था, उसके बाद सारा केस ही ख़त्म हो गया था, कोई केस ही नहीं बनता, ना FIR, ना चलान, ना कुछ। ये बयानिया हर पेशी पे हर बार के दोहराते रहे हैं, उस 8 जून के ऑर्डर को ये बार बार पढ़ के अदालतों को सुनाते रहे हैं। आज उस बयानिए को दफन कर दिया गया है एक तरीके से, जो कि कंटेंप्ट के अंदर वो ऑर्डर पढ़ के मौजूदा डिविजनल बेंच ने हाईकोर्ट के कहा है कि इस ऑर्डर की कोई कंटेंप्ट साबित नहीं होती है, इस ऑर्डर की कोई ख़िलाफ़ वर्जी आईओ के या प्रोसिक्यूटर के खिलाफ साबित नहीं होती है, इसलिए कंटेंप्ट पिटीशन डिसमिस्ड है। तो अब मेरे ख्याल में ये बात वाजे हो गई है कि पहले आपको पता है कि FIR क्वाश की जाए, ये CP इनकी डिविजनल बेंच ने खारिज कर दी, फिर चलान जो एक्सेप्ट हो गया उस ऑर्डर में इन्होंने खामियां निकालने की कोशिश की, वो डिसमिस हो गई इनकी एप्लीकेशन हाईकोर्ट से, और फिर उन्होंने कहा था कि जी ये शुरू की पूरी कार्रवाई कंटेम्पटस थी, हाईकोर्ट के ऑर्डर को जो है वो गलत से इस्तेमाल किया गया, वो भी आज खारिज हो गई। तो अब ये सब खारिज होने के बाद जो है अदालत के सामने अब ट्रायल चलना चाहिए जैसे इसका प्रोसीजर नॉर्मल रूटीन है, और उसके ऊपर हम फोकस करें कि जो सारे टैक्टिक्स थे ट्रायल को डिस्टर्ब करने के लिए, एक तरीके से शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए और फरार इख्तियार करने के लिए, वो सब नाकाम हो गए हैं। आज MLO की दरख्वास्त भी टाइम फिक्स थी 11 बजे पे, मगर मौजूद जज साहब आज अवेलेबल नहीं थे, वो एबसेंट थे कोर्ट से, तो दूसरे जज साहब के पास वो केस ट्रांसफ़र हुआ, और उन्होंने मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए इसमें इंस्ट्रक्शन दी कि इसी हफ्ते के अंदर इसको दोबारा समाअत के लिए फिक्स किया जाए जब वो ओरिजिनल बेंच जिसके सामने केस लगा था वो अवेलेबल हो। ठीक है सर, थैंक यू।